ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आंध्र प्रदेश की एक लेटेस्ट बड़ी भर्ती के बारे में। तो चलिए आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें जो मोटिवेशन मिलता है उसके बारे में मैं आपको बोल करके नहीं बता सकता। तो चलिए शुरू करते हैं और उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है वो है APSWREIES। ये ऑर्गेनाइजेशन नेम है जिसको फुल फॉर्म में आंध्र प्रदेश सोशल वेलफेयर रेसिडेंटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी बोलते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म है। जॉब टाइप स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, ये भर्ती आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। जॉब नेम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिसको शॉर्ट फॉर्म में DCO बोलते हैं। ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर जिसको शॉर्ट फॉर्म में TGT बोलते हैं। प्रिंसिपल एंड केयर टेकर वार्डन किसके अंदर पोस्ट निकाली गई है। टोटल वैकेंसी जिसके अंदर 750 है, यानी कि कुल पद 750 निकाले गए हैं। जॉब लोकेशन आंध्र प्रदेश, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश के अंदर होगी। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 15 फरवरी 2019 है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 28 फरवरी 2019 है। यानी कि 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2019 तक आप आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं आपको इसकी वैकेंसी डिटेल के बारे में जानकारी दे देता हूँ। DCO पोस्ट के लिए 4 पद निकाले गए हैं, प्रिंसिपल के लिए 27 पद निकाले गए हैं और TGT के लिए 552 पद है। केयर टेकर वार्डन के लिए 167 पद निकाले गए हैं, जो कि कुल मिलाकर के 750 पद हो जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इस भर्ती का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या फिर BED की डिग्री है तो आप इन पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन जानने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको आगे इस वीडियो में पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन बताने वाला हूँ, यानी कि किस पोस्ट के लिए एग्जैक्टली कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ये जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। दोस्तों, मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 44 साल रखी गई है। यानी कि जिन आवेदकों की उम्र 18 साल से लेकर 44 साल के बीच में, वो लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों, आपका सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आवेदन करने का तरीका क्या रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आवेदन करने का तरीका सिर्फ ऑनलाइन रहेगा। आप सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाओगे, ऑफलाइन माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फी ₹500 फॉर ऑल कैंडिडेट्स, यानी कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और एप्लीकेशन फीस जमा करने का भी मोड ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर पाओगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप इस भर्ती के लिए किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो, यानी कि भर्ती ऑल इंडिया के लिए है। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। अब बात करते हैं आवेदन करने का तरीका, यानी कि आप अप्लाई कैसे करें। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि यह है। आपको इस वेबसाइट पर जाने के बाद इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इसको रीड करना है। और रीड करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके उस पेज पर चले जाना है जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है और आपको अपने फॉर्म के अंदर सभी जानकारी भर देनी है जो कि वहां पर मांगी गई हो। साथ ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर के साथ में। इसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देनी है, क्योंकि सभी कैटेगरी के लिए ₹500 एप्लीकेशन फीस है, तो आपको ₹500 एप्लीकेशन फीस पेड कर देनी है। और लास्टली बस आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक फोटो कॉपी जरूर ले लें, जो कि आपके फ्यूचर में काम आएगी। दोस्तों, मैं आपको उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में जानकारी देता हूं। दोस्तों, अगर आपको उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, उसको रीड करना है, तो आप डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पर मैं आपको उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक दे रहा हूं और साथ ही साथ मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट लिंक दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली उस पेज पर चले जाओगे जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है और आप अपना फॉर्म बहुत ही आसानी से भर पाओगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए फॉर्म भरने में, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको उसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट इस वीडियो के अंदर भी दिखा देता हूं और वहां से इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, जो कि आंध्र प्रदेश सोशल वेलफेयर रेजिडेंटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी आंध्र प्रदेश की तरफ से अनाउंस किया गया है। आप यहां पर चेक कर सकते हो पोस्ट का नाम, जो कि दिया गया है DCO प्रिंसिपल ग्रेड 3, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, केयर टेकर वार्डन,
और अगर आपको ये जानना है कि किस जोन के लिए कितने पद निकाले गए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये टेबल दी गई है और यहाँ पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन बताई गई है, सॉरी पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल बताई गई है कि किस पोस्ट के लिए आपसे कितनी कितनी वैकेंसीज आपके लिए निकाली गई है, और यहाँ पर स्केल ऑफ पे यानी कि आपको किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी दी जाएगी। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 40,060 से लेकर 98,440 रुपये पर मंथ दी जाएगी, और प्रिंसिपल ग्रेड टू के लिए आपको 40,270 रुपये से लेकर 93,780 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी कि TGT पोस्ट के लिए आपको 28,940 रुपये से लेकर 78,910 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। केयर टेकर वार्डन के लिए आपको 21,230 रुपये से लेकर 63,010 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। दोस्तों ये थी इसकी सैलरी के बारे में जानकारी, और यहाँ पर आप एप्लीकेशन फ़ी देखते हो, सभी कैटेगरी के लिए रुपये 500 एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, और यहाँ पर एज इलेक्शन के बारे में भी चेक कर सकते हो क्योंकि एज लिमिट मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर SC ST BC के लिए 5 साल की एज आयु सीमा में छूट दी गई है, यानी कि एज रिलैक्सेशन, और फिजिकली हैंडीकेप यानी कि विकलांग के लिए 10 साल की आयु सीमा में छूट दी गई है, और एक्साइटिंग कॉन्ट्रैक्ट टीचर वर्किंग इन विद एटलीस्ट 6 मंथ सर्विस 3 ईयर्स उनके लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो दोस्तों जो आपसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपको जानना कि एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन कितनी मांगी है, तो आप यहां पर देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए आपसे जो योग्यता मांगी गई है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स इन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और प्रिंसिपल ग्रेड टू के लिए जो आपसे योग्यता मांगी है वो पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट डिग्री विद फर्स्ट क्लास विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कम से कम 60% मार्क्स के साथ पास होनी चाहिए, और इसके अलावा ABBED डिग्री फ्रॉम UGC या NCT जो कि 50% मार्क्स के साथ पास की गई हो, और यहाँ पर और भी जो आपके एलिजिबिलिटी रखी गई वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए भी आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो यहाँ पर दी गई है। केयर टेकर के लिए आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी गई है, और BED डिग्री फ्रॉम UGC NCT रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी कि BED भी आपके पास होनी चाहिए, और एडिशनल क्वालिफिकेशन आप यहां पर चेक कर सकते हो। रूल ऑफ रिजर्वेशन यानी कि किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन दिया गया है इसकी जानकारी के लिए आप इसको रीड कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको आवेदन करने का तरीका जो मैंने बताया वो समझ में नहीं आया हो तो आप इस मोड को यूज कर सकते हो आवेदन करने के लिए, क्योंकि इसमें स्टेप वाइज बताया कि आपको कैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एग्जाम सेंटर हॉल टिकट की जानकारी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, अभी एग्जाम सेंटर के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं दी गई है लेकिन उसकी जानकारी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर के आधार पर किया जाएगा, उसकी जानकारी यहां पर थोड़ी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं और यहां पर भी कुछ जानकारी इसके बारे में दी गई है। तो दोस्तों ये थी जानकारी टीचर भर्ती के लिए, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी या आपको किसी भी प्रकार का इसके लिए इसके बारे में कोई सवाल पूछना हो तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें।